नमस्कार, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों का जो गणित है वो उस हिसाब से 90 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री का अब मिशन कश्मीर शुरू हो चुका है और इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में जो प्रक्रिया है चुनाव को लेकर वो लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो धारा 370 के बाद अब जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो किसकी सरकार बन सकती है इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े और सटीक विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 की सियासी पिक्चर 5 राज्यों से लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलावा 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव यहाँ पर अप्रैल मई 2024 में होने जा रहे हैं और अप्रैल में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, यह वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जबकि अप्रैल में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यह विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अप्रैल में उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, यह बीजू जनता दल की सरकार है, और यहाँ पर बात की जाए अप्रैल में सिक्किम पर भी यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, यहाँ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर मई में यहाँ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, तो कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, जबकि अक्टूबर में हरियाणा में और अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड में, यहाँ पर नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए लोकसभा चुनाव और यहाँ पर 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 में हो सकते हैं, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन बात की जाए जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर, अब यहाँ पर जो मैप है वो बदल गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर बात की जाए तो 7 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद अब पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यहाँ पर डीएपी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और किसके पक्ष में जम्मू कश्मीर जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें कौन बाजी मारता नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि गृह मंत्री मिशन कश्मीर शुरू हो चुका है और अगला टारगेट पीओके को लेकर भी बड़े बड़े बयान सामने आ रहा है। तो सवाल ये कि धारा 370 के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर भी बड़ी खबर है कि नए वोटर्स किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि अब काफी कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की यहाँ तैयारी की जा रही है। तो जिसका से यहाँ गुफकार गठबंधन बना था 7 पार्टियों का, वो मिलकर चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के सामने या फिर अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा है भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। तो 2014 में यहाँ पर आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था, तब यहाँ पर जो है JKPP पार्टी ने, पीडीपी ने यहाँ पर 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट तो कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 2014 के बाद जो हालात बदले हैं, धारा 370 खत्म हुई है, जिस कारण का आतंकवाद भी यहाँ पर खत्म हुआ है, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, तो किसका पलड़ा भारी होगा इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन भी यहाँ पर हुआ है, उसके बाद भी काफी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर DDC चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी और यहाँ पर 247 सीटों में से यहाँ पर गुफकार गठबंधन जहाँ 97 सीटों पर सिमटा था और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 70 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 22 और 44 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। तो अब यहाँ पर 90 सीटों का जो गणित उसमें यहाँ जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट, तो यहाँ कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी को 1 सीट, डीएपी पार्टी जो कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाए हैं, तो उनको भी यहाँ पर फायदा मिल सकता है। डोडा की यहाँ पर बात की जाए तो 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। भाई पुलवामा की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर यहाँ पर पीडीपी को फायदा मिल सकता है। भाई बाड़ग्राम की 5 सीटों में से यहाँ 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट पर पीडीपी का पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर पीडीपी, और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ गठबंधन के तौर पर कांग्रेस, पीडीपी या डीएपी पार्टी किसी के साथ यहाँ चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अनंतनाग की 6 सीटों में से यहाँ 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर पीडीपी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के लिए
कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट डीएपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी 1 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है, यानी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। और बाकी 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर पीडीपी, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर डीएपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। गदरवाली की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर पीडीपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सांबा की 2 विधानसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के पक्ष में जा सकती है। रामबांग की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट डीएपी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, जबकि रियासी की 3 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर डीएपी पार्टी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। राजौरी की 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 सीट है और यहां पर डीएपी पार्टी, कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जबकि अगर बात की जाए लेह की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर डीएपी पार्टी प्लस पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर पीडीपी और 1 सीट पर डीएपी पार्टी प्लस कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शोपिया की 2 विधानसभा सीटों के लिए 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर डीएपी पार्टी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कुल जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो महासर्वे गृहित बन सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने दम पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। भाई अगर बात की जाए कांग्रेस को 6 विधानसभा सीट तो पीडीपी को 19 और डीएपी पार्टी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी अन्य के पक्ष में भी करीब 11 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर जो है कमल खिला सकती है। जम्मू कश्मीर में पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत सरकार बना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि सीएनएक्स सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार लोकसभा की 6 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर 90 सीटें विधानसभा की और 6 लोकसभा सीटों का आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और चुनावी विश्लेषण दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, यहाँ पर आने वाले वक्त में और किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ किसका यहाँ पर खेल बिगड़ेगा और किसका फायदा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में अगले अगर विधानसभा चुनाव होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार मिलेगी या फिर जो महा गुफकार गठबंधन बना था इसके अलावा कांग्रेस यहाँ पर क्या वापसी करेगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय भारत।